हेलो दोस्तों, स्वागत है फोटोशॉप के एक और क्लास में। आज के इस क्लास में हम टेक्स्ट को किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं वो सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस एक ऑप्शन को यूज करके बहुत ही अच्छा से अच्छा डिजाइनिंग को बना सकते हैं। फोटो जो लिखा हुआ लिखावट रहेगा, टेक्स्ट का डिजाइनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं जिस पर हम टेक्स्ट को लिखेंगे। तो यहाँ से न्यू पेज हम एक ले लिए हैं। अगर आप लोग के फोटोशॉप न्यू पेज लेते हैं तो इस तरह से लाइनिंग आ रहा है, तो कंट्रोल एच से इस लाइनिंग को हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एक ग्रेडियंट टूल इसको यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनाने के लिए अप्लाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो देखिएगा, जो पहला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट का बहुत फॉर्मेट दिया हुआ है। आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और आगे बढ़िएगा तो यहाँ से टेक्स्ट के कुछ अथी है, यहाँ से बोल्ड इटैलिक जो भी कोई रखना है इसमें से यूज करके आप रख सकते हैं। यहाँ से आइएगा तो कलर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने कुछ टाइप कर दिए हैं, पेस्ट कर दिए हैं डायरेक्ट, पहले से कॉपी किए हुए थे। तो अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके और को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से फिर ओके कर लेंगे। यहाँ से मूव टूल पर क्लिक करके इसको इस तरह से मूव कर लेंगे। और आप यहाँ से भी कॉर्नर पकड़ के भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। हम इसको थोड़ा ग्रेडियंट को चेंज करते हैं, क्योंकि जो हम लिखे हैं इधर ब्लू है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, दोनों एक ही कलर हो गया है। तब यहाँ से ग्रेडियंट हम चेंज कर देते हैं। इसे ग्रेडियंट पर क्लिक करके बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद इस तरह से फिर से एक ग्रेडियंट डाल देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिएगा ये बहुत ही सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें डिजाइनिंग करने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट जो लेयर है टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन खोलिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में हमने बताए थे कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज करके किस तरह से लेयर में, जिस तरह से हम लेयर में यूज करना बताए थे उसी तरह से आप इस टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले से भी कुछ सैम्पल बना हुआ है, आप इसको भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते थे, देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट लग जाता है इसमें। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट लग जाता है। इसी तरह से फिर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट लग जाता है। तो हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, हम यहाँ से मैनुअली कुछ लगाते हैं। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक किए, देखिए ये सब ऑप्शन खुलता है। सबसे पहले तो यहाँ से देखिएगा तो स्ट्रोक लग जाता है। स्ट्रोक का यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रोक का साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से आउटर ग्लो को लगा सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से शेडो लगा सकते हैं, ड्रॉप शेडो यानी कि बाहर की ओर शेडो लगेगा, यहाँ से इनर शेडो लगेगा, अंदर की ओर शेडो लगेगा। यहाँ से फिर से आप ग्रेडियंट्स ओवरले कर सकते हैं, जो इस तरह इसमें जो ग्रेडियंट दिया हुआ है यही वाला ग्रेडियंट इसमें भी ओवरले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम ग्रेडियंट्स ओवरले पर क्लिक करते हैं, तो देखिए दो कलर का ग्रेडियंट ओवरले हो गया। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, जो आपको अच्छा लगे। ग्रेडियंट ओवरले को हम अनटिक कर देते हैं। तो इसमें आप लोग यूज करके देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप टेक्स्ट में डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम लाइट कलर को अगर यूज कर रहे हैं टेक्स्ट में तो बॉर्डर जो है वो थी डार्क कलर में होना चाहिए। अगर यहाँ से अब ओके कर दिए, अगर ये टेक्स्ट का जो कलर है ये चेंज करना चाहते हैं तो फिर से टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। और इस टेक्स्ट में कहीं पर भी आप क्लिक करके यहाँ से और सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से और सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ से इस कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ रेड करते हैं, ओके करके यहाँ से ओके कर देते तो ये इस बार रेड हो गया है। फिर इस पर डबल क्लिक करके हम पूरे को सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज बार में आइएगा तो कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम देखिए एक बार हम ग्रीन ले लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं।
इसको ओके कर देते हैं। तो ये ग्रीन इस बार लिखा गया है, लेकिन देखिए ग्रीन लिखाया है तो इसका बॉर्डर जो है वो वाइट कलर का है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, उतना टेस्ट जो है नहीं खिल रहा है। तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर फिर से जाएंगे और इस बार यहाँ से स्ट्रोक को कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से लाइटिंग आ रहा है, रेड कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे चेंज कर करके इस तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।